अपने YouTube चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और जल्दी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए चैनल पर जल्दी जल्दी वीडियोस डालने होते हैं। ऐसे में एक टाइम के बाद लगने लगता है कि जैसे टॉपिक्स की कमी हो गई है, कहाँ से लाए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिन पर वीडियोस बनाए जा सके। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको फील होती है तो डोंट वरी, आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब तक कि उन्हें समझ में ना आ जाए कि टॉपिक्स कहाँ पर सर्च किए जा सकते हैं। और आप किस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि टॉपिक्स को आसानी से कहाँ कहाँ से सर्च किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक्स हर जगह पर हैं, आपकी थॉट से लेकर के आपके विचारों से लेकर के आपके आसपास के माहौल में, न्यूज़पेपर में, लोगों में, सिचुएशंस में और सोशल मीडिया पर। लेकिन टॉपिक को पहचानना भी तो आना चाहिए ना। तो हम टॉपिक सर्च करने के तरीके पता करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि टॉपिक वो है जो इंटरेस्टिंग है, जो आपकी ऑडियंस के लिए यूजफुल है और जो उन्हें इतना सेटिस्फाई भी करे कि वो आपके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चाहे। और हाँ, ये भी याद रखिए कि टॉपिक सिलेक्ट करने के इस प्रोसेस में आपको अपने नीश से रिलेटेड टॉपिक्स पर ही स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस वही देखना चाहती है। चलिए अब जानते हैं टॉपिक सिलेक्ट करने के तरीके। नंबर वन है, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए। अगर अभी तक आप अपने नीश से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरह नहीं देख पाते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन को बेहतर बनाइए। ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ टॉपिक्स ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फूड चैनल चलाते हैं जिसमें डाइट रिलेटेड वीडियोज भी होते हैं, रेसिपीज भी होती है, फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर करते हैं, तो ट्रेंड में चल रहे वीगन कॉन्सेप्ट पर आप वीडियो बना सकते हैं। आपके घर में आज सब्जी में अलग तड़का लगाया गया है जिसने उसे एकदम डिफरेंट टेस्ट दे दिया है, तो आप इस पर भी वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको कोई यमी डिश खाने का मन है लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आप उसे स्किप किए जा रहे हैं, तो आप उसी रेसिपी को अलग तरह से बनाकर लो कैलोरी डिश की तरह अपने चैनल पर दिखा सकते हैं। तो बताइए, हुए ना ये टॉपिक्स जो आप ही के आसपास है, बहुत ही करीब। अब आगे नंबर दो पर है, कीवर्ड रिसर्च करिए। अब जब आपकी ऑब्जर्वेशन बेटर हो जाएगी तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि लोग क्या देखना चाहते हैं। इसके बाद आप उस टॉपिक पर कीवर्ड रिसर्च करके ऐसे बेस्ट टॉपिक्स पा सकते हैं जिसमें लो कंपटीशन हो, और कीवर्ड रिसर्च के दौरान भी आपको एक ही टॉपिक पर बनने वाले बहुत से टॉपिक्स नजर आ जाएंगे जिन्हें आप सही तरीके से यूज करके काफी सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। नंबर तीन पर है, सोशल मीडिया पर आपको ढेरों टॉपिक्स मिलेंगे। सोशल मीडिया टॉपिक्स का भंडार है, बस आपको टॉपिक ढूंढना आना चाहिए। ट्विटर पर आप अपने नीश के ट्वीट से पता लगा सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है या लोग क्या जानना चाहते हैं। फेसबुक पर सबसे ज्यादा शेयर होने वाला कंटेंट आपको आसानी से टॉपिक्स प्रोवाइड करा देगा। अब सूटेबल फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बनकर भी लोगों की ओपिनियन और रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इंस्टाग्राम और कोरा भी इसी तरह टॉपिक से भरे हुए हैं। आप एक क्लिक पर बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर पोल के जरिए भी अपनी ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। YouTube इन्फ्लुएंसर्स किस बारे में बात कर रहे हैं इस पर ध्यान देकर भी आप लेटेस्ट टॉपिक आसानी से बना सकते हैं। नंबर चार पर आता है, रेलेवेंट यूट्यूब चैनल्स को देखिए। आपकी नीश के यूट्यूब चैनल्स को ऑब्जर्व करके भी आप आसानी से नए टॉपिक्स निकाल सकते हैं। आप इन्हें कॉम्पिटिटर्स भी कह सकते हैं, और उनके चैनल पर किस तरह के वीडियोस चल रहे हैं उनसे आप नए आइडियाज और टॉपिक आसानी से ले सकते हैं। नंबर पांच पर आता है, कमेंट सेक्शन को चेक करें। अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहकर के आप केवल एंगेजमेंट ही नहीं इंक्रीज करेंगे, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना चाहती है। और अक्सर आपको बहुत से टॉपिक्स तो कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगे। आप अपनी ऑडियंस को कमेंट करके टॉपिक बताने के लिए एनकरेज भी कर सकते हैं। नंबर छह पर आता है, आप इन टूल्स की हेल्प लीजिए। टॉपिक एक्सप्लोरर, जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा देगा। क्वेश्चन एनालाइजर, जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आप चाहे तो इन सवालों को अपने टॉपिक में ऐड करके एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, या आप चाहे तो उन सवालों से एक नया टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। कंटेंट एनालाइजर, जो आपको बताएगा कि कौन से टॉपिक्स को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शेयर किया जाता है। यूट्यूब एनालाइजर, जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट के बारे में आपको बता देगा। आगे नंबर सात पर है, वेबसाइट पर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे।
भले ही आपका केवल YouTube चैनल हो और वेबसाइट ना हो तो भी आप वेबसाइट सर्च के जरिए टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स हर जगह पर है। आपकी नीश से रिलेटेड वेबसाइट पर किस तरह का कंटेंट चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं और अपने चैनल के लिए टॉपिक तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट और ब्लॉग्स पर कंटेंट रीड नहीं करना चाहते हैं तो आप फीडली जैसे न्यूज एग्रीगेटर ऐप की मदद ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन वेबसाइट से सारे आर्टिकल्स को एक जगह सेव करने की फैसिलिटी देता है। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं जिनसे रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट डेली आपके फीड में डिलीवर हो जाएगी, तो आपके लिए टॉपिक सर्च करना कितना आसान हो जाएगा। नंबर 8 पर है इंडस्ट्री जनरल्स और इंडस्ट्री फोरम्स की हेल्प लीजिए। आपके नीश से रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट चल रहा है, इसका पता आप इंडस्ट्री जनरल्स और इंडस्ट्री फोरम से लगा सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस में भी आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनमें से बहुतों में अपडेट की जरूरत होगी, यानी उसी टॉपिक पर नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की। तो आप उन टॉपिक्स पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करके नया वीडियो बना सकते हैं। और इस तरीके से इन 8 तरीकों के जरिए, यानी ऑब्जर्वेशन, कीवर्ड रिसर्च, सोशल मीडिया, कॉम्पिटिटर्स चैनल्स, वेबसाइट टूल्स और इंडस्ट्री जनरल्स एंड फोरम्स की हेल्प लेकर आप अपने YouTube चैनल के लिए ढेर सारे बेहतरीन टॉपिक्स कलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन तरीकों को जरूर आजमाइए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताइए कि इससे आपको कितनी मदद मिली। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कंग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम है आपका। हमारे इस चैनल से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है आप उसे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।